हाय फ्रेंड्स, मैं हूं अदिति। स्वागत है आपका अदितिस किचन में। आज की जो वीडियो है वो उन लोगों के लिए है जो पेट से जुड़ी समस्याओं से बहुत परेशान रहते हैं, जैसे बहुत ज़्यादा गैस बनती है, एसिडिटी बनती है और सीने में जलन होती है, पेट फूलता है, दर्द होता है, खाना नहीं पचता। तो ये रेसिपी जो है उन लोगों के लिए है और बहुत ही सिंपल है, क्योंकि इसमें बहुत ही कम इन्ग्रीडियंट मैंने इसमें यूज़ किए हैं। आप इसको बना करके स्टोर करके भी आराम से रख सकते हैं। तो चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पे मैंने 5 नींबू लिए हैं, 4 चम्मच अजवाइन ली है जो छोटी चम्मच होती है, टीस्पून, और यहाँ पे मैंने लिया है काला नमक। तो 1 छोटी चम्मच काला नमक हमें चाहिए। सबसे पहले नींबू का रस निकाल के अलग करते हैं। तो यहाँ पर मैंने नींबू जो है इनको निचोड़ लिया है, इनका रस निकाल लिया है। ये जो छोटी चम्मच है टीस्पून, ये मैंने 4 चम्मच मैंने ली है अजवाइन, और इसके अंदर जो ये रस है ये मैं डाल दूंगी। नींबू का रस इतना होना चाहिए जिसमें अजवाइन जो है वो अच्छे से भीग जाए और उसमें थोड़ा सा पानी जो है नींबू का रस वो ऊपर तैरता रहे, क्योंकि जब हम इसको भिगो के रखेंगे और ये इसको सोक करेगी, फूल जाएगी, तो इसके लिए थोड़ा ज़्यादा होना चाहिए इसमें रस, कम ना रहे। तो इसको रख देंगे अब हम ढक करके, सोक करके रखना है हमें, इसे भिगो के रखना है कम से कम 24 घंटे। तो इसे 24 घंटे बाद देखते हैं। 24 घंटे हो चुके हैं और आप देख सकते हो जो अजवाइन है वो काफ़ी अच्छे से फूल चुकी है, ये देखिए। तो 4 चम्मच अजवाइन हमने ली थी और इसको नींबू के रस में 24 घंटे भिगो के रखा है हमने। अब हम यहाँ पर एक बड़ी छलनी लेंगे और उसके अंदर इसको डालेंगे, और नीचे एक बर्तन रखा है ताकि जो नींबू का रस है उसमें निकल जाए, और इसको चम्मच से इस तरह से प्रेस करते हुए इसका जो नींबू, इसमें जो नींबू का रस है उसको अलग कर देंगे। तो जितना हो सके उतना अच्छे से प्रेस करें। तो ये हमने अलग कर लिया, इसे अलग रखेंगे। यहाँ पे एक प्लेट ली है, उसके ऊपर मैंने किचन टावल रखा है, और ये जो अजवाइन है ये मैं इसके ऊपर डाल के अच्छे से इसको फैला दूँगी। इसकी जो लेयर है अच्छे से इसको बहुत पतला पतला करना है, इसको फैला देना अच्छे से, और इसे हमें सुखाना है। तो सूखने के लिए हम इसे रखेंगे, और इसको धूप में हमें नहीं सुखाना, इस बात का अच्छे से ध्यान रखना। आपको घर में पंखे के नीचे आप सुखा सकते हो, तो इसको सूखने में भी कम से कम 24 घंटे लगेंगे। तो इसको अच्छे से सूखने के लिए रख देते हैं। ये देखिए अच्छे से सूख चुकी है और एक एक दाना अलग अलग हो चुका है। तो हमें इसी तरीके से इसको सुखाना है। अब हम इसे कूट लेंगे, चाहे कूटनी में या मिक्सी में। तो ये मैंने मिक्सी में थोड़ा मोटा दरदरा इसको कूटा है, क्योंकि इसका बहुत बारीक पेस्ट नहीं बनाना है। और आयुर्वेदिक विशेषज्ञों का दावा है कि अजवाइन पाचन शक्ति को मजबूत करता है, और इसका जो सेवन हम नियमित रूप से करते हैं, रोज़ करते हैं, जो हमें अपच की प्रॉब्लम होती है उससे पेट में दर्द होता है, जलन होती है, सारी समस्याओं को ये दूर करता है। अब हम इसके अंदर काला नमक मिलाएंगे, और 1 छोटी चम्मच हमें इसमें काला नमक मिलाएंगे। काला नमक भी बहुत अच्छा होता है, पेट की परेशानियों को दूर करता है, अच्छा घरेलू उपचार है ये। पाचन से संबंधित अन्य समस्याएं जो होती हैं हमें, जैसे एसिडिटी होती है, पेट फूलता है, गैस बनती है, सीने में जलन होती है, ये सारी प्रॉब्लम्स को ये दूर करता है काला नमक। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे, और इसके अंदर जो अजवाइन है उसके अंदर काफ़ी सारा फाइबर, खनिज, विटामिन्स और एंटीऑक्सीडेंट जैसे पोषक तत्व होते हैं, जो आपके शरीर को बीमारियों से दूर रखने के लिए काफ़ी ज़रूरी भी होते हैं। तो ये देखिए अच्छे से इसको मिक्स कर दिया है हमने। इसमें लम्स नहीं है, गांठे नहीं है, जितना हो सके उसको अच्छे से उसको मिक्स कर लें। और ये देखिए जो छोटी चम्मच है ना, इतना उसका भी आधा हमें एक बार में लेना है। गर्म पानी से हमें लेना है, जैसे कि आपको लग रहा है कि पेट में कुछ गड़बड़ हो रखी है या गैस बहुत बन रही है, तब आप इसको ले लें गर्म पानी के साथ, ये ध्यान रखें। और अजवाइन में उपस्थित थायमोल में एंटासिड के गुण पाए जाते हैं। यह एसिड जो है वो रिफ्लेक्स को कम करता है और पेट में जो एसिड की मात्रा है उसको संतुलित करके रखता है, यानी कि पेट में जो आपका भारीपन होता है उसे भी कम करेगा, आपके पाचन को सुधारेगा ये। तो ये बहुत ही अच्छा है। आप इसके अंदर चाहें तो थोड़ी सी हींग भी मिला सकते हैं, और इसको एक एयरटाइट कंटेनर में बंद करके रखें, और जब भी आपको प्रॉब्लम हो तब लें, या फिर आप 10-15 दिन इसको लगातार भी ले सकते हैं अगर आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत रहती है तो, या फिर जब आपको दिक्कत हो तब आप इसको ले लें। सुबह शाम 2 बार आप इसको ले सकते हैं। तो ये ज़रूर आप ट्राई करें, और आप हमारे साथ शेयर भी करें, लाइक करें वीडियो को, सब्सक्राइब करें चैनल को। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय।